सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बताते चले, भगवानीगंज थाना क्षेत्र में पड़ने वाले असधरापुर गांव में आज भोर में सुबह 4 बजे एक 40 वर्षीय व्यक्ति के संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिलने से गांव में मचा हड़कंप। आपको बताते चले, परिजनों को सूचना मिलते ही घर में मौतम सा माहौल हो गया है। सूचना मिलने पर तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस। मौके पर मृतक की पत्नी विमला देवी ने कहा कि मेरे लाख मना करने पर देर रात गांव के ही दो लोग घर पर आए और मेरे पति को बुला कर ले। क्या मामला है जो हुआ है? ये सूचना मिली थी कि ग्राम असाधारपुर में बेचन चौहान और उनकी जो है संदिग्ध परिस्थितियों में मृत हुई है, जिसके संबंध में पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। फोन लगा कहीं ना आओ, मेरा जन्मदिन मना है बेचन आवो तो कहीं ना ही आए बाबू। अब भाई आई तो लड़कियों को कहीं जा रहे तुरे तो कहीं और लड़के को कहीं के पापा हम जाए था तो कहीं कहा बेचन आओ तो कहीं अच्छा भाई आई था खाली तब आई था अच्छा तब फिर गए उनके घर फिर आए तो हम कहीं कहें जा बाबू देख पापा कहाँ गए नहीं आए जितना टाइम मिल गया तो कहीं दीपक घर ना आई तब दीपक घर से तो फिर आई घर ना तो कहा चले पनवा आज किया खा ले और लाल पियाओ हम आई था तब फिर अगर बाद में कहने से खा ले जाए कहीं को सब आए गए फोनवा करते करते आई गई। कौन कौन? राजू वाले नाम है और कहा बोला था वो नाम राजू तो कहा था चला मर्दे स्वामी लेके चला मर्दे स्वामी तो हम कह रहा गे बाबू खाए गे तब बुआ से रहा ना तब मुराद हुआ ना खाते तो हम गोसवा लाए लुकवाए दिए गोसवा गए लुकवाए दिए कि ना दिया खाए तब कहा थे अच्छा बन गया खड़ी रह रहे बह माए था तो हम कह ना जाओ सर पे ना जाए तो कहा तो अच्छा तो कहीं लालक पिया हम आए था अच्छा तब उतने में हमारा रखिए पनवा दिन पनवा ना खाना गुआ बहुत रात तक ना आई है बस हम अपने बेटे को लेके सूद गए हमारा रखिए लग गए तो मर पछला गया खुला का सुनी था कि मर गए दादा रे।